सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं यहाँ पर ऑफिस में हूँ, लेकिन एक न्यू लीक्स निकल के सामने आ रहा है, तो मैं क्यों ना सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे दूँ। तो मैं बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी M32 के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी M32 5G जो कि अभी आप लोगों को 15,000 रुपये में मिल रहा है, और यकीन मानिए मैं आप लोगों को सच बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन अंडर 15 के लेना है तो इससे अच्छा स्मार्टफोन शायद ही आप लोगों को सैमसंग का मिलेगा। हालांकि इस प्राइस कैटेगरी में आप लोगों को दूसरे कंपनी के 5G स्मार्टफोन है अवेलेबल है, आप लोग बाय कर सकते हैं, रियलमी का है, MI का है। लेकिन अगर आप लोगों को सैमसंग का ही चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी M32 5G अभी अमेजोन के ऊपर लगभग 15,000 या फिर 14,500 रुपये में मिल रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग जो M32 5G है ये सैमसंग गैलेक्सी A32 का रीब्रांडेड है 5G का, जो कि बाहर की कंट्रीज में A32 5G के नाम से गया था, लेकिन इंडिया में सैमसंग के M32 5G के नाम से लॉन्च किया है सैमसंग ने। और रही बात M32 की जो कि 4G वेरिएंट है, तो यकीन मानिए 13,000 रुपये में वो सिर्फ सैमसंग का ही नहीं बल्कि बाकी कंपनीज के भी स्मार्टफोन अगर आप लोग उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो रियलमी, MI, वीवो, ओप्पो, जो भी कंपनी का स्मार्टफोन आप लोग उठा के देख लीजिए, 13,000 रुपये में सैमसंग गैलेक्सी M32 मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि 13,000 रुपये में आप लोगों को फुल HD+ जो कि ओप्पो वीवो के स्मार्टफोन में आप लोगों को नहीं मिलेगा 13,000 में, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 90Hz का रिफ्रेश रेट, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले विथ 90Hz का रिफ्रेश रेट कितना कमाल का यहाँ पर होने वाला है। और डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होगा, कलर कॉन्ट्रास्ट आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सैमसंग गैलेक्सी M32 4G अगर आपका बजट है 13,000 रुपीस तो उस प्राइस कैटेगरी में ले लीजिए। कैमरा अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, प्रोसेसर हालांकि एक डेली टू डे यूज के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हैं तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि गेमिंग के लिए लेग होगा और फिर आप लोग बोले कि भाई कैसा है स्मार्टफोन, मुझे बोले लेने के लिए ये तो लेग कर रहा है, तो इसलिए मैं M32 4G गेमिंग के लिए लेने नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप लोग 2-3,000 रुपये बढ़ाएंगे तो सैमसंग का M32 5G जो कि गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा डील आप लोगों के लिए होने वाला है। प्राइसिंग में ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंट नहीं मिलेगा M32 और M32 5G में, और दोनों ही फ़ोन में डिज़ाइन में यहाँ पर चेंजेस है, तो आप लोगों को ये और एक ऑप्शन होगा कि पकड़ लीजिए किसी को M32 4G का डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है वो M32 5G को बाय कर सकते हैं, और जिनको 5G नहीं लेना है और उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है वो सैमसंग का M32 यहाँ पर 4G ले सकता है। तो ये एक अच्छा डिफरेंट सैमसंग ने क्रिएट किया है ताकि लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस मिले एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे स्मार्टफोन को कंपेयर करने के लिए, तो ये सैमसंग ने अच्छा किया है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में? अगर आपको लेना होता पर्सनली तो कौन सा स्मार्टफोन लेते? मेरे अकॉर्डिंग दोनों स्मार्टफोन बेस्ट है। 15,000 रुपये में अगर आप लोग कोई स्मार्टफोन लेने का सोच रहे थे तो प्लीज़ इन दोनों स्मार्टफोन को एक बार कंपेयर कर लीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।